हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। अज की आप वीडियो दे विच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के बारे डिस्कस कर जा रहे हैं, जिंदे विच पहला पार्ट है अज अपने को। अज आप एक क्वेश्चन डिस्कस करांगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिवें कि तुहानू पता है अकाल अकैडमी के विच मार्च में एग्जाम होंगे, सो आपां नू हुणे नाल प्रैपरेशन तैयार करनी पैगी। 6-7 जो चैप्टर आपां नू चंगी तरह तैयार करने पैणगे। जो अज का अपना क्वेश्चन है वो आपां सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के विचों लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भी काफ़ी बार एग्जाम के विच आ चुके हैं। क्वेश्चन की कह रहा है, कहिंदा डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायामीटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन के विच कह रहा है जिहड़ा डायामीटर मून का ना वो अर्थ का की है 1/4 है। आपां की फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्वेश्चन के विच की कहा उन्हें, क्वेश्चन के विच क्या है, डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ, एक गल कही है उन्हें, ठीक है। ते नाल उन्हें की क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आप दोवां दे सरफेस एरिया का की है रेशियो फाइंड करना है। हुण जे तां आपां देखो डायमीटर ऑफ अर्थ नूं एक्स लैके चलांगे तां रेडियस की हो जाएगा x/2, फिर उस तो बाद x/8, x/16, कुछ इहो जिहा करना पएगा। आपां इहो जिहा कुछ नहीं करांगे, आपां सिंपल की है 4 दे मल्टीपल दे विच लांगे, ठीक है। जो डायामीटर ऑफ अर्थ लाँगे ना आपां, वो 4 दा मल्टीपल लाँगे। आपां की लिखांगे, लेट लेट डायामीटर ऑफ अर्थ, डायामीटर ऑफ अर्थ आपां कितना लिख लिया, 8x लिखिया। 8x क्यों लिखिया, क्योंकि 8 नाल अपने कोल क्वेश्चन की हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन दे विच जाण दी आपां नूं जरूरत नहीं पैगी, तुसीं क्वेश्चन दे एंड तक जाते जाते समझ जाओगे 8x मैं क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि इन कि फ्रैक्शन के नहीं जाना पड़ेगा आपको, ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं बनेगी, बिल्कुल सिंपल जी कैलकुलेशन बनेगी। तो आप डायमीटर ऑफ अर्थ कितना लेट किया, 8x, ठीक है। उस तो बाद रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ नु आप लिखांगे आर ई, आर फॉर रेडियस एंड ई फॉर अर्थ। सो 8x का हाफ कितना हो गया, 4x, ठीक है। अर्थ का डायमीटर कितना है, 8x, तो रेडियस कितनी होगी, 4x होगी अपने को। हुण क्वेश्चन दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंग कहिंदा जिहड़ा मून दा डायमीटर है ना, अर्थ दे डायमीटर तो की है 1/4 है। तो आपां की लिखांगे, डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ मून दैट इज इक्वल टू 1/4 इनटू डायमीटर ऑफ अर्थ। यही है ना क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग, तो यही है जिहड़ा मून दा डायमीटर है, अर्थ दा की है 1/4 है। हुण अर्थ का डायमीटर कितना है, 8x, सो 4 नूं 8 नाल कट करके डायमीटर ऑफ मून कितना आ गया अपने कोल, 2x आ गया, ठीक है। अर्थ का किन्ना सी, 8x, मून का किन्ना आ गया, 2x आ गया। हुण आपां की लिखना है, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून मीन्स आर एम, तो कितना हो गया अपने कोल, 1x। 2x का हाफ करांगे ना, ठीक है, रेडियस की होंगी है, डायमीटर का हाफ होंगी है, सो अपने कोल की आ गया, 1x आ गया। हुण आपां की फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हुण आपां लिखना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो उपर अपने कोल की आ गया, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ मून, यही चीज आ गई अपने को। ऊपर आ गया सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, थले अपने को की आ गया, सरफेस एरिया ऑफ मून। चाहे ऊपर जो मर्जी लिख लो, उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया फिर तुम पहला अर्थ लिखना या मून लिखना है। मैं तो वैसे ही पहला अर्थ लिख लिया, फिर की लिख लिया, मून लिख लिया, ठीक है। हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला की होंगे, 4π r² यही होंगे ना, तो अर्थ का की बनेगा, 4π r² डिवाइड बाय 4π r² आर ई का मतलब अर्थ हो गया, आर एम का मतलब की हो गया, मून हो गया। सो 4π नाल 4π की हो गया, कट हो गया, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ भी सफेयर है ते मून भी सफेयर है, तो सफेयर का सरफेस एरिया की होंगे, 4π r², थले भी कितना आ गया, 4π r², फर्क कितने पाया, अर्थ लिए मैं आर ई यूज कर रहा ते मून दे लिए मैं आर एम यूज कर रहा, ठीक है। हुण आर ई दी वैल्यू पुट करो किन्नी अपने कोल, 4x/4x, ते आर एम दी 1x/1x।
एक्स नाल एक्स कटिया गया, एक्स नाल एक्स कटिया गया, फोर फोर जा 16, बाय कितना आ गया 1, सो रेशियो कितना आ गया 16:1। हुण 16:1 का मतलब जे आपां किसे अनपढ़ बंदे नूं समझाउणा होवे तां किवें समझावांगे? इस क्वेश्चन दे नाल आपां जो आंसर कढ़िया 16:1, तां इस क्वेश्चन दा जे मीनिंग किसे अनपढ़ बंदे नूं समझाउणा है तां किवें समझावांगे? आपां इस तरह कहांगे, जेकर मून नूं पेंट करन लग्गिआं, जिहड़ा चंद्रमा है, चंद्रमा नूं पेंट करन लग्गिआं, जेकर एक डब्बा लगेगा, ठीक है, चंद्रमा नूं आपां रंग करना सारे पासों, किन्ने डब्बे लगदे आ? एक। तां उत्थे अर्थ नूं किन्ने डब्बे लगणगे? 16 डब्बे लगणगे। इहदा मतलब इह है, ठीक है। क्वेश्चन की सी, डायमीटर ऑफ जिहड़ा अर्थ मून है वह अर्थ का की है 1/4 है, तो आपां लैट कीता 8x, रेडियस किन्नी होगी 4x, उस तो बाद मून आ गया, मून की रेडियस आ गई, तो फिर आपां की फाइंड कीता रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सो अपने कोल आंसर किन्ना आ गया 16:1। तो मतलब जेकर मून का सरफेस एरिया 1 है, 1 यूनिट है, तो अर्थ का सरफेस एरिया किन्ना होगा 16 यूनिट। ओके, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 1।